और अंत में बात करेंगे मुंबई की आरए पुलिस की। आरए पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में पॉप सिंगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी इस पॉप सिंगर के खिलाफ और उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आरए पुलिस। दरअसल यह घटना 30 नवंबर की है जब कुणाल कंजिया नाम के पॉप सिंगर ने आरए पुलिस को यह बताया कि दो पॉप सिंगर जो अपने गाने की शूटिंग के लिए मुंबई आरए फिल्म सिटी अपने उसके कैमरे की दुकान से किराए पर दो कैमरे ले गए, लेकिन उसे वे वापस नहीं लौटाए। यानी जो कुणाल कंजालिया का हम आपको नाम बता रहे हैं, ये कुणाल कंजानिया शिकायत करता है और ये पॉप सिंगर है। इसकी कैमरे की दुकान भी है और इसी कैमरे की दुकान पर दो पॉप सिंगरों ने किराए पर कैमरा तो लिया लेकिन उसे वापस नहीं किया और ना ही उसके किराए को उन्होंने जो तय किया था प्रतिदिन 1000 रुपए के अनुसार उसे नहीं अदा किया। पॉप सिंगरों ने अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस भी गलत दिया था। एक दिन का किराया देकर कैमरा लेकर वे 9-2-11 हो गए। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी न तो किराया उनका सामने आया और ना ही कैमरा किसी ने वापस लौटाया, जिसके बाद पीड़ित कुणाल ने इसकी सूचना आरए पुलिस को दी और आरए पुलिस ने विश्वासघात और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। सबसे पहले मोबाइल का सीडीआर निकाला जिसमें यह पता चला कि दोनों आरोपी कल्पना हॉल मालवनी इलाके के निवासी हैं। तो पुलिस जब वहां गई तो यह पता चला कि यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपियों ने जो अपना एड्रेस कंजानिया को दिया था वो पूरी तरीके से फर्जी था। और पुलिस ने दोनों पॉप सिंगरों का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला, जिसमें पता चला कि दोनों ने अपने द्वारा गानों को रिकॉर्ड कर अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड किया था। पुलिस ने उन दोनों सिंगरों के यूट्यूब फ्रेंड की छानबीन शुरू की और उनसे पूछताछ करने के बाद आरोपियों के गिरेबान तक पहुंची पुलिस। गिरफ्तार आरोपियों का नाम संदीप वर्मा और सादिक अंसारी बताया जा रहा है। उनके पास से कैनन कंपनी का 2 वीडियो कैमरा पुलिस ने बरामद किया है और फिलहाल आगे की जांच जारी है। हो रहा है ऐसा कहके उन्होंने 2 कैमरे भाड़े से लिए थे और वो वापस न करके वो वहाँ से फिर भाग गए थे। तो हमारे जो खबरी है वो हमारे डिटेक्शन टीम ने खबरी से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल गया था कि ये लोग पॉप सिंगर है और वो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब के जो लाइक यूज़र रहते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके उसके फ्रेंड सर्कल को हम लोगों ने उनसे जानकारी मिलके फिर आरोपी के हम लोग पहुंचे और आरोपी